इस वीडियो को देखने के बाद इनको थोड़ी सी अकल आ जाए जो हमारा नाम लेना बंद कर दें। अकल होगी तो आएगी, नहीं होगी तो अकल आने वाली नहीं है। और एक सच्चाई, और आप यहाँ पे देखिए ये सच्चाई है, और ये देखिए ये सच्चाई जाने के बाद इनको मैंने दिल से भी आप मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा सर एकदम ग्रेट आदमी है, बहुत बड़े आदमी है। फ्रॉड आजकल जिस तरीके से चल रहा है यहाँ फ्रॉड नाम की कोई चीज़ नहीं है, फीस भी सस्ती है और काम भी उन्हीं की तरह है, बल्कि मैं तो कहूँगा उनसे भी अच्छा है जो 50-60 हज़ार लेके सिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो पर स्वागत है। बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे कि सर आपके यहाँ से सीखने के बाद कितने लोगों ने कोचिंग सेंटर खोला है। तो यह है वीडियो आपके लिए, जानना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ से सीखने के बाद कितने लोग अपना कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। दूसरी चीज़, आप भी आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अपना चाहे सर्विस सेंटर खोलें, कोचिंग सेंटर खोलें, दुकान खोलें, कुछ भी खोलें, वो आपका मन है। फुल सपोर्ट हमारी हर तरह से रहती है, जैसे कि इन लोगों की मदद की। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ सीखने के बाद किन किन लोगों ने अपना सेंटर खोला है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए सारी चीज़ें बताऊँगा हिस्ट्री के साथ। आप इस शख्स को पहचानते हैं, ये बरेली में एक छोटा सा गांव है बरेली के अंदर, वहाँ पे अपना एक छोटा सा कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। इनका नाम पता नहीं सर क्या, मंजन ऐसे ही कुछ है, मंजन मंजन करके। तो थोड़ा सा ना एक सावधान रहें, जो आदमी हमारा फोटो वीडियो एडिट कर सकता है तो आपके साथ क्या कर सकता है, तो हम उसका कह नहीं सकते। आपके साथ कोई गलत होता आप उसके खुद जिम्मेदार होंगे, लेकिन है तो हमारा स्टूडेंट। अभी मान लो ये कहते हैं फ़ोटो एडिट कर दिए, तो वो बाकी की बात बाद में करेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, एक हमारे स्टूडेंट ये हैं जो आप गौर से देखिए, ये बिहार लखीसराय से हैं, ये अपना कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। इनका कोचिंग सेंटर का नाम है मानसी मोबाइल इंस्टीट्यूट, जो कि इन्होंने अपनी भांजी के नाम पे कर रखा। दूसरी चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, देखिए अब आप इनको देखिए, यहाँ पे गौर से देखिए, ये जो आप शख्स को देख रहे हैं ये कहाँ से हैं, ये जम्मू कश्मीर से हैं। सब वीडियो मेरे यूट्यूब पर पड़े हैं, इनकी हिस्ट्री जाननी है तो 1 से 1.5 साल पहले के आप स्टूडेंटों को रिव्यू देखेंगे, वो सब मिल जाएगा। ये जम्मू कश्मीर से हैं, ये अपना कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं, इनको पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, रजिस्ट्रेशन इनके हो चुके हैं कि कैसे खोलना है, क्या करना है, सारी चीज़ें हम बताते हैं। उसके बाद देखिए, आप यहाँ पर एक आदमी को और मैं दिखाता हूँ, आप इनको देख रहे हैं, इनका नाम है नेमचंद, इनका नाम नेमचंद है। ये जो कोचिंग सेंटर अपना चला रहे हैं, अपने गांव है इनका, एक इनका भी एक छोटा सा कस्बा है, गांव है, वहाँ पर अपना इस कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। लेकिन वो जो कोचिंग सेंटर जो चला रहे हैं वो हमारे नाम से ही चला रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारे नाम से ही चला रहे हैं। कुछ लोग नाम लेना पसंद करते हैं, कुछ लोगों को पसंद नहीं है, तो इससे हमको कोई एलर्जी नहीं। आप नाम लेंगे हमारा तब भी ठीक है, नहीं लेंगे तब भी ठीक है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, ये जो है, ये आदमी जो कहते हैं कि हम नहीं सीखे, भैया आप हमारे पास नहीं सीखे, हम नहीं कहते क्या है क्या नहीं है, पब्लिक सब जानती है, सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं। और दूसरी चीज़, आप देखो ये कह रहे हैं नहीं सीखे, तो ये गलत है, आपको थोड़ी सी शर्म तो ये करनी चाहिए कि मैं क्या कहता हूँ, किसके बारे में कहता हूँ। अब इनका क्या है ना कि इनके जो इंस्टाग्राम है या जो भी चीज़ है वहाँ पर फॉलोवर नहीं बढ़ते, तो कोई तो एक टॉपिक चाहिए, तो इन्होंने हमारा नाम लेना स्टार्ट कर दिया है कि जो हमारे कुछ लोग हैं वो देखेंगे तो फॉलो सब्सक्राइब करें ना करें वो बात की बात है, लेकिन हमारे नाम से ये जो है अपना काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप कमाते रहो खाते रहो। दूसरी चीज़, आप इनको यहाँ भी देखिए, इनको भीड़ में देख सकते हैं, गौर से देख सकते हैं, भीड़ में देखिए, अच्छे से देखिए, इन सभी स्टूडेंटों के साथ इनको हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, फ़ोटो लेते हैं। ऐसे ये भाई जो अपना साइड में बैठ के अपना कुछ कर रहे हैं, इसके अंदर पेन है शायद इनके हाथ में, यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी चीज़, आप यहाँ पर देखिए, ये इनको देखिए, और आप फिर यहाँ भी देख सकते हैं। अब मान लो कि फ़ोटो वीडियो, आदमी कितना झूठ बोलेगा, कब तक बोले, भैया झूठ बोलना बंद कर दो, गलत चीज़ गलत होती है, पब्लिक समझदार है। आप कोचिंग चलाएं, दुकान चलाएं, कुछ भी चलाएं, अच्छी बात है, अपना काम पर ध्यान दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देखिए दूसरी चीज़, इनको यहाँ से जाने के बाद क्या हुआ था, देखिए पहले मैं, आप इनकी शक्ल को अच्छे से पहचानें और इनकी शक्ल को अच्छे से पहचान लें, दोनों को अच्छे से पहचाने, देखिए वीडियो को पॉज करके देखें, गौर से पहचान लो, पहचान लिए होंगे। अब पहचानने के बाद आप यहाँ एक नज़र यहाँ भी डालें, जब आप हमारे पास में कुछ सीखे ही नहीं थे, कुछ भी कैसा भी, तो यहाँ से जाने के बाद आपने ऑनलाइन क्लास क्यों ज्वाइन किया,
क्या मतलब था? जब आपको मालूम था यहाँ कुछ नहीं चाहिए तो ऑनलाइन नहीं जुड़ना चाहिए था, तो आप ऑनलाइन में देख रहे हैं कि ये भी है इसी बैच के साथ में और ये भी है इसी बैच के साथ में, तो बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और हमारा लोगो नाम हमारा ये रहा, ठीक है। तो प्रूफ सारी चीज़ें हैं, झूठ बोलने का काम हमारा है नहीं, हम काफ़ी सालों से सिखा रहे हैं, ये अभी 2 महीने से मार्केट में आए, ट्रेंड में आने के लिए हमारा नाम लेते हैं। अब अच्छा नाम लें बुरा नाम लें उससे हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो भाई वीडियो देख रहे हैं कमेंट ज़रूर करें कि क्या चीज़ है क्या नहीं। अब हो सकता है कि देखिए क्या हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद इनको थोड़ी सी अकल आ जाए, जो हमारा नाम लेना बंद कर दें। अकल होगी तो आएगी, नहीं होगी तो अकल आने वाली नहीं है। और एक कमी के क्या करते हैं कि ये हमारे यहाँ पर, चलो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, छोड़ो बेकार है, लेकिन सच्चाई और आप यहाँ पे देखिए ये सच्चाई है और ये देखिए ये सच्चाई। जाने के बाद इनको मैंने ऑनलाइन सिखाया था, ऑनलाइन हम इसलिए सिखाते हैं, जैसे आप ऑफलाइन में सीखते हैं कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट रह जाता है तो वो आप अपना रिवीजन और रिपीट कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी इन्होंने सीखा था, जब हमारी ऑनलाइन की जो फीस थी रिपीट क्लास की वो 300 रुपये थी, तो इन्होंने 300 रुपये पे किए थे, इनकी हिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ। अब कोई आदमी कितना बदतमीज हो उसका तो हम कह नहीं सकते, उसको तो भगवान भी नहीं सुधार सकता है, लेकिन जो सच्चाई है वो आप सभी के सामने है। और ये भी शायद वीडियो को देख रहे होंगे, अब इनकी तरह हम बदतमीजी तो नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे स्टूडेंट हैं, छोटे हों चाहे कोई भी बड़ो, देखिए ये तो शायद उम्र में मेरे से छोटे ही हैं, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं ये उम्र में हमसे काफ़ी बड़े हैं और ये भी काफ़ी बड़े हैं, तो हम किसी से बदतमीजी करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब इनका जो जिस काउंटर पर ये जो बैठे हैं ना, इस काउंटर पे जो बैठे हैं आप आएंगे यहाँ देखेंगे सारी चीज़ें, तो इसी काउंटर पर बैठ के यूट्यूब चैनल बनवाया था मैंने, प्लस इनके साथ में आप इन दोनों को भी और देख लें, इनका भी यूट्यूब चैनल है, इन दोनों का इनका भी यूट्यूब चैनल है, इनका नाम है आशीष मौर्या जो कि उन्नाव से हैं। तो देखिए भैया झूठ नहीं छुपता नहीं चलता, आपको फॉलोवर्स बढ़ाने हैं तो आप हमारा नाम ले सकते हैं, अच्छी बात है, आप गंदे रूप में भी ले सकते हैं अच्छे रूप में भी ले सकते हैं, वो आपका मन है आपका काम है, लेकिन सच्चाई सभी सामने यहाँ पे खुली हुई पड़ी है, आपके सारे वीडियो इंटरव्यू ऑनलाइन के ऑफलाइन के पड़े हुए हैं। हाँ इतना ज़रूर होता है जैसे कि जितने भाई आप देख रहे हैं जितने भी लोग ऑनलाइन ऑफलाइन में सीखते हैं सब लोग एक जैसा नहीं सीखते, सब लोगों का माइंड एक जैसा काम नहीं करता है, जो जैसी मेहनत करता है वो वैसा काम अपना आगे कर पाते हैं। आप आना चाहते हैं तो अपना सीट बुक करा सकते हैं, कोचिंग सेंटर खोलना है दुकान खोलना है जो भी आपको करना है उसमें हम फुल सपोर्ट करते हैं, जैसे हमने इतने लोगों की सपोर्ट की है। तो हमारे यहाँ से सीखने के बाद किस किसने कोचिंग सेंटर खोला है, देखिए एक इन्होंने खोला इनका चल रहा है, एक इनका चल रहा है, दूसरा इनका भी चल रहा है, तीसरा बाकी का देखिए ये अपना खोलने वाले हैं, तो 1 2 3 4 चार लोग यहाँ से जाके कंप्यूटर सेंटर अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। एक स्टूडेंट है हमारे नेपाल में काठमांडू में, वो भी अपना सेंटर चला रहे हैं, वो काफ़ी पुरानी बात है। अब ये क्या कहते हैं कि भैया इनका फ़ोटो वीडियो देख के मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, ठीक है ये कहते हैं कि हमारा फ़ोटो वीडियो देख के स्टूडेंट आते हैं, अब इनको कौन समझाए कि तुम जब आए थे तो हमारे पास क्या देख के आए थे, फ़ोटो वीडियो देख के आए थे, किसका, अपना ही देख के आए थे क्या या और किसी का, और किसी का देख के आए थे तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ वो किसका देख के आए होंगे। ये कहते हैं मेरे को देख के यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं वो, जो कि इनकी गलत फहमी है, बहुत बड़ा अहम है इनका, अहम और बहम आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं एक दो फ़ोटो दिखाता हूँ, इनसे आने के पहले के हमारे सारे बैच फुल रहते हैं, और जो फ़ोटो दिखाने का मेरा मतलब है वो इनके लिए है, ये भी यहाँ पे गौर से देखें कि जो मैं फ़ोटो अब आपको दिखाऊँगा वो कौन सा दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो हमारे स्टूडेंट हैं इनको आने से पहले का फ़ोटो है, और भी इनके वीडियो बहुत सारे पड़े हैं, हमारे सारे बैच फुल रहते हैं। हाँ इतना ज़रूर होता है किसी बैच में 2-4-5 स्टूडेंट ज़्यादा किसी बैच में कम, इतना अंतर जरूर रहता है। अब आप इस फोटो को देख रहे हैं, फ़ोटो कब का है, ये फ़ोटो हमारा लॉकडाउन खुलते ही का है, वीडियो भी यूट्यूब पर पड़ेंगे, फ़ोटो जो लॉकडाउन के खुलने के तुरंत बाद का है, आप यहाँ भी भीड़ देख सकते हैं कितनी भीड़ है, लेकिन प्रूफ क्या है, देखिए प्रूफ क्या है, आप इस फ़ोटो को देखें गौर से। दूसरी चीज़ फ़ोटो के साथ साथ आप देखिए मेरे पीछे जितने भी स्टूडेंट खड़े हैं, तो पहले मेरे पास जो बड़ा पैनल नहीं था, जो बड़ी टीवी है वो नहीं थी, यहाँ पे 2 टीवियाँ लगी थी, यहाँ पे क्या थी, 2 टीवी लगा रखी थी।
अब कुछ समय बाद जैसे चीज़ चेंज होती है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये बड़ा वाला जो फोटो है, ये बड़ा वाला जो पैनल है, ये टीवी यहाँ पे ये लगा दिया। यहाँ पे पहले दो थे और अब एक है, तो यहाँ पे चीज़ें जो बदलती रहती हैं, फोटो देख सकते हैं कि इस ये भी शायद स्टूडेंट इनको ही देख के आए होंगे। किसको देख के आए होंगे, ये भी स्टूडेंट शायद इसी को देख के आए हों। अब सच्चाई और झूठाई सबके सामने है और हम इनका कभी नाम नहीं लेते। फ़ोटो वीडियो हम उन्हीं के लगाते हैं जो हमारे पास में सीख के जाते हैं, हर स्टूडेंट का लगाते हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अब समझ में आ चुकी होंगी।